दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशि फल मार्च 2021। मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए यानी कि लिब्रा साइन वालों के लिए कैसा जाने वाला है। लिब्रा होरोस्कोप, करियर, जॉब, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में, बिजनेस के बारे में हम इस राशि फल में चर्चा करते हैं। दोस्तों जानेंगे कि आखिर मार्च का महीना आपको किस दिशा में लेकर जाएगा, आखिर क्षेत्र विशेष के लिए क्या स्थितियां बनाएगा और आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के आधार पर होता है, तो उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आपका राशिफल बताना। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों, आपके लिए शुक्र का जो गोचर होगा वो काफी लाभदायक होगा। वैसे तो शुक्र जब पंचम भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि आपके राशिपति बनते हैं, तो विद्या अध्ययन में रुचि घटाने वाले होंगे। आलस्य अधिक आएगा आपको इस महीने 17 मार्च तक, खास करके आलस्य में अधिक डूबे रहेंगे और लगेगा ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि कोई भी परीक्षा है आराम से आप एग्जाम पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा लगेगा। अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जब आएगा आपको तो ऐसा लगेगा, लेकिन 17 मार्च के बाद में स्थितियां बिगड़ जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा, फिर आपको पश्चाताप भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, प्रतियोगी परीक्षा में कोई परेशानी आ जाए या किसी प्रतियोगिता में भाग लें तो वहाँ पर परेशानी ज़्यादातर आपके सामने आए, तो ऐसी स्थितियाँ आपको ये दर्शाएंगी कि आप अपने बीते दिनों को कोसते होंगे, बीते दिनों आपने क्यों आलस्य किया, क्यों मेहनत नहीं की, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा आपका मंथन चलेगा। इसलिए अभी से आपको सावधान करना चाहेंगे कि पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। लेकिन यही देखा जाए तो मंगल राहु की युति पूरे महीने बनी रहेगी और इस युति के कारण आपको बहुत अधिक, जो विद्यार्थी किसी रिसर्च पर काम करते हैं या इतिहास इत्यादि के बारे में जानकारी जुटाते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, और खास करके मेडिकल के क्षेत्र से अगर डॉक्टर इत्यादि की पढ़ाई कर रहे हैं तो मानसिक अशांति और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में सफलता भी प्रदान करने वाला होगा ये महीना, कुछ उपलब्धियाँ भी दिलाने वाला होगा। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो पारिवारिक माहौल खराब होने की वजह से, परिवार का माहौल खराब हो जाए, मानसिक अशांति परिवार के लोगों को हो जाए, या किसी प्रकार से अपने छोटे भाई बहनों की परेशानियों को देख करके आपका मन भी परेशान हो जाए, ये स्थिति कहीं ना कहीं दर्शाती है आपके लिए मार्च के महीने को। विद्यार्थियों की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं आपको बहुत अधिक मात्रा में स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ सकती हैं, खास करके ब्लड इन्फेक्शन इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्किन इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है, और उसके साथ साथ आपको अचानक से बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए सावधान हो जाइए। फीवर इत्यादि भी हो सकता है तो इससे भी आपको सावधान रहना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके लिए अचानक से दुर्घटनाओं के संकेत मिल सकते हैं, अचानक से दुर्घटना इत्यादि हो सकती है। आपकी अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना होगा, गुस्सा अधिक करने से आपको नुकसान हो सकता है, क्रोध को नियंत्रण में रखें, अपवाद को नियंत्रण में रखें, कोई वाद विवाद को नियंत्रण में रखें, शत्रु बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाएगा अगर कोई जमीनी विवाद चल रहा था या किसी प्रॉपर्टी इत्यादि का केस चल रहा था तो आप वहाँ अपना केस हारते हुए नजर आएंगे, कुछ पैतृक संपत्ति गंवाते हुए नजर आएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी, और कहीं ना कहीं अपनी धन की बर्बादी की स्थिति भी आप बनाकर रखेंगे, धन बर्बाद होता जाएगा। उसके साथ साथ आपके लिए एक स्थिति और है कि आपको बहुत अधिक मात्रा में कर्ज लेना पड़ सकता है, कर्ज की स्थिति भी बनती हुई नजर आएगी, और यहां पर वाहन चलाते समय या किसी रिस्क का काम करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, सावधान हो जाइए। अगर कोई रिस्क का काम करते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, कहीं पैसे इत्यादि का निवेश, शुक्र की स्थिति ये दर्शाती है, बहुत अधिक मात्रा में पैसे इत्यादि को खर्च करते हुए नजर आएंगे, पैसे इत्यादि का निवेश, कहीं धन का निवेश करते हुए नजर आएंगे, नुकसानदायक होगा ये, दो जो धन आप
इन्वेस्ट करेंगे उनको कहीं ना कहीं धोखे में जाएगा, वो छल कपट के जरिए जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान लेकर आएगा। वो पैसा कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो सकता है, अधिक खर्चों से बर्बाद हो सकता है, अथवा कोई आपसे वो पैसा ठग सकता है, ऐसी स्थिति भी बनेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अधिक मात्रा में यात्राओं के योग बनेंगे, यात्रा इत्यादि हो सकती है और वो यात्रा आपके लिए सफल ना रहे या वो यात्राएं फिजूल की यात्राएं हों, उससे कोई लाभ ना मिल पाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती नजर आएगी। सिटी से बाहर यात्राएं हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन, क्रोध और बहुत ज़्यादा अपवाद और विवाद लेकर आने वाली यात्राएं हो सकती हैं। पार्टनरशिप के व्यापार में तनाव रह सकता है, एक दूसरे के मतभेद हो सकते हैं और आपकी अपनी वाणी पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा, इस बात का विशेष ख्याल रखें। दूसरी बात, आपके लिए एक तरह से शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना भयंकर, या निवेश कर रखा था तो भयंकर नुकसान दे सकता है और इससे आपको बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है, अचानक से दुर्घटना इत्यादि हो सकती है, इससे भी आपको बचना चाहिए। सावधान होकर वाहन चलाते समय खास करके सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई जमीन इत्यादि बेचते समय बहुत ज़्यादा सावधानी या खरीदते समय बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। आपको बहुत ज़्यादा अपने कोई भी निर्णय पर बहुत सावधान होकर चलना चाहिए, एक छोटी सी गलती आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान लेकर आ सकती है। इस महीने देखा जाए तो आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टि जो है वो बहुत ही आपकी अच्छी होगी। अगर आप आध्यात्मिक ओर जाएंगे, आध्यात्म की ओर जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक ये समय लाभकारी भी हो सकता है, काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार भी हो सकता है। अपने छोटे भाई बहनों से उलझने की कोशिश न करें, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। यहां पर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अधिक मात्रा में आपकी मेहनत जो है वो असफल होते हुए दिख रही है, यानी कि मेहनत के जो परिणाम हैं, जितना आप 100% कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट 10% ही मिल रहा है आपको, यानी कि वो रिजल्ट आपका जो आपको मिलना चाहिए 100%, आप मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी दिशा सही नहीं है। आपका ये महीना आपको कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर ले जाएगा, गलत निर्णय करवाएगा, गलत फैसलों से कहीं ना कहीं अपवाद और विवाद बनते जाएंगे और आप परेशान होते जाएंगे, इसलिए आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, सावधान हो जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं करियर की। करियर की स्थितियों में बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी, लेकिन करियर में भी आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी और चिड़चिड़ापन भी आएगा। करियर में अगर मेडिकल के क्षेत्र से डॉक्टर इत्यादि का करियर चुना है तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तनाव रहे और चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंताएं हों। चिंता आवश्यक है लेकिन चिंता में इतना ज़्यादा मत घुस जाइए कि आप और चीज़ों का भी नुकसान करते जाएं। इसलिए अपने वाणी पर, अपने माइंड पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो करियर में जो लोग किसी प्रकार का रिसर्च का काम करते हैं और उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक रहेगा समय, लेकिन फिर भी आपके लिए उतना लाभदायक नहीं होगा जितना आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर देखा जाए तो यहां पर आपके लिए अचानक से करियर में अचानक से सफलता भी मिल सकती है, खास करके अगर पुलिस कर्मी इत्यादि की कोशिश कर रहे हैं, कोई अधिकारी इत्यादि या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बस ये सावधानी रखनी है कि किसी प्रकार से मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, सफलता मिल सकती है। अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि देते हैं तो उसमें आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, जितना पूछा जाए उतना ही बताने की आवश्यकता है। अगर जरूरत से ज़्यादा बोल गए तो आपके करियर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इंटरव्यू में असफल भी हो सकते हैं, इसलिए जरूरत से ज़्यादा मत बोलिएगा, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिएगा। और तुरंत ही अगर कोई जवाब आपको नहीं आता है तो उसका तुरंत ही ना में जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो रट कर आए हैं। अगर इंटरव्यू देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, ऐसा महसूस नहीं होना है उन लोगों को जो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर गुमान है, अभिमान है और आप फटाक से ना अपना जवाब दे देते हैं या मुंहफट स्वभाव है आपका, कुछ भी बोल रहे हैं आप, जो चीज़ें आपको बोलनी नहीं चाहिए वो भी आप बोल रहे हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए
बहुत अधिक मात्रा में प्राइवेट सेक्टर के लिए चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव और उठापटक वाली स्थिति परिवर्तन लेकर आने वाली स्थिति रहेगी। या सिटी चेंज कर लें प्राइवेट जॉब में, और यहां पर यह भी स्थिति बन जाएगी कि आपका अटका हुआ प्रमोशन जो है वो कहीं ना कहीं आगे के लिए अग्रसित हो जाए और आपको उसमें थोड़ी सी खुशी महसूस हो, लेकिन ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर पूरी तरह से कंफर्म आपका प्रमोशन इत्यादि की स्थिति भी नहीं बनेगी, लेकिन आगे के लिए स्थितियां कहीं ना कहीं एक सीढ़ी आप प्रमोशन की चढ़ जाएंगे। हाँ, कोई ट्रांसफर इत्यादि हो सकता है, ट्रांसफर इत्यादि हो सकता है, खास करके पुलिसकर्मी अधिकारी हैं वहां पर ट्रांसफर इत्यादि हो सकता है। और आपके लिए क्या स्थितियां हैं, बहुत अधिक मात्रा में व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है समय। आप जो अभी क्या व्यापार में अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर व्यापार को नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा ही चलाते रहें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इस चीज का विशेष ख्याल रखें। कोई निवेश इत्यादि ना करें जिससे कि आपको उस निवेश का कोई लाभ ना मिल पाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। विदेश यात्रा ज्यादा धन लाभ की स्थिति नहीं बना पाएगी, विदेश में नुकसान इत्यादि की स्थिति या खर्चे अधिक होने की स्थिति बन सकती है। विदेश में अगर रहते हैं तो वहां पर जॉब इत्यादि की प्रॉब्लम या पीआर इत्यादि की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। विदेश में रहते हैं तो कोई सरकार के कार्य के लिए कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, कोई सरकारी कार्य करते हो वहां पर नुकसान हो सकता है। यहां पर अधिक मानसिक अशांति को यह महीना दर्शाता है और कुछ बुरे सपनों को दर्शाता है। अचानक से अजीब अजीब ख्याल, अचानक से मन विचलित होना, घबराहट होना और मानसिक अशांति को दर्शाता है। हाँ, मैरिड लाइफ और लव लाइफ के बारे में अगर बताएं तो यह सबसे ज्यादा भयंकर होगा, सबसे ज्यादा खराब होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तो भयंकर स्थिति होगी और यह स्थिति आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होगी। मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए या लव लाइफ के लिए हम बताते हैं आपको दूसरे चैनल पर। दूसरे चैनल का नाम है लव टिप्स विद अतुल जी, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस चैनल पर हमने आपको बताया है कि आपकी लव लाइफ मार्च के महीने में कैसी रहने वाली है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैरिज इत्यादि के लिए योग बिगड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। जो आपकी शादी पक्की हो गई थी, कहीं आप मैरिज कर रहे थे और आपके लिए सगाई इत्यादि भी हो गई थी, तब भी स्थिति पक्की शादी होने के बावजूद टूट सकती है। कुछ बातें जो उन्होंने छिपाई हुई थी वो बातें आपकी पता लग जाएं, आपको पता लग जाएं, ऐसी स्थिति बन सकती है। कुछ बातें जो छिपाई नहीं जानी चाहिए वो पता लग जाएं और उसके बाद में शादी आपको तोड़नी पड़े या उन्हें तोड़नी पड़े, ये स्थिति बन सकती है। यहां पर आपके लिए मैरिज के योग कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन आपको जो रिश्ते आएंगे वो भी आपको पसंद नहीं आएंगे, आपका मन नहीं भरेगा, ये स्थिति आपके लिए पूरी स्थिति बनती है मार्च के महीने में। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।